दिनांक 25 मार्च 2019 सोमवार की आज की बड़ी खबरें जो कि निकल कर आई लोकसभा चुनाव 2019 संबंधित और अन्य खबरें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज चैनल पर, मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज की हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 संबंधित और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें अपडेट खबर संबंधित कुछ विशेष जानकारियां। तो जानने के लिए क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों, बनाते होगा शुरू करते हैं आज का विषय। शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से जो कि अभी अभी अपडेट हो रही है। एमपी के 16 साल बाद फिर हो सकता है दिग्विजय और शिवराज का मुकाबला। दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस से दिग्विजय सिंह को भोपाल लोकसभा से टिकट मिलने के बाद भाजपा में नए सिरे से मंथन शुरू हो गया है, क्योंकि भोपाल सीट लोकसभा का गढ़ है और कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को सामने कर दिया है। ऐसे में अगर बीजेपी चूक करती है तो पार्टी को इसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। दिग्विजय सिंह संघ के कट्टर विरोधी नेता माने जाते हैं, जिसके चलते संघ भी इस सीट पर किसी भी सूरत में दिग्विजय सिंह को जीत हासिल नहीं करने देने चाहती है, इसलिए दमदार प्रत्याशी को लाने की कवायद तेज हो गई है। महापौर आलोक शर्मा, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और वीडी शर्मा, साथ ही प्रज्ञा ठाकुर के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम तेजी से चर्चाओं में आ गया है। सूत्रों की माने तो भोपाल में भाजपा शिवराज सिंह चौहान को प्रत्याशी बना सकती है। यदि ऐसा होता है तो 16 साल बाद दोनों नेता एक दूसरे के सामने होंगे। वही विदिशा से शिवराज सिंह समर्थक रमाकांत भार्गव और प्रत्याशी बनाया जा सकता है। विचार शिवराज सिंह चौहान नहीं माने तो अन्य किसी बड़े नेता पर भी विचार किया जा सकता है। इसके पहले नरेंद्र तोमर का नाम भी चर्चाओं में था, लेकिन इसका टिकट मुरैना से फाइनल हो गया था। फिलहाल वीडी शर्मा, आलोक शर्मा और आलोक शर्मा का नाम भी भोपाल सीट पर विचार में रखा गया है। संभावना है कि सोमवार अर्थात आज तक अगली लिस्ट आ सकती है। ग्वालियर से विवेक शेजवालकर या नारायण कुशवाहा के नाम पर नेता देर रात तक विचार कर रहे थे। वही छिंदवाड़ा में पार्टी ने मनमोहन शाह भट्टी के नाम को विचार में लिया है और या फिर किसी बड़े को भेजा जा सकता है। संघ कभी भी यह नहीं चाहेगा कि अपने धुरी विरोधी नेता दिग्विजय सिंह को वॉक ओवर देकर हमेशा के लिए खुद की किरकिरी कराएगा। अब सवाल यह है कि भोपाल सीट के प्रतिष्ठापूर्वक मुकाबले के लिए भाजपा का प्रत्याशी कैसे बनाया जाए। एक ऐसी स्थिति में भाजपा के सामने सिवाय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से चुनाव लड़ सकते हैं और अब दिग्विजय सिंह से सीधी टक्कर ले सकते हैं। ऐसा चेहरा लाना भी भाजपा के लिए चुनौती का बन गया है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी भोपाल से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वहीं संघ और भाजपा के मंथन में अब तक सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को ही भोपाल सीट पर दिग्विजय का मुकाबला करने के लायक माना जा रहा है। हालांकि दिग्विजय शिवराज ने इस पर कोई टिप्पणी तो नहीं दी है, लेकिन ये जरूर कहा है कि पार्टी आदेश करेगी उनका पालन करेंगे। इसके अलावा पार्टी फोरम या वीडी शर्मा का नाम भी विचार में है, पर पार्टी का रुख शिवराज की ओर ज्यादा है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर के बारे में जो कि निकल कर आ रही है। अब ग्वालियर से प्रियदर्शनी ज्योतिरादित्य सिंधिया की जी की पत्नी को टिकट। अब ग्वालियर से प्रियदर्शनी राजे को लड़ाने कांग्रेस ने किया प्रस्ताव पारित। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में इस बार ग्वालियर सीट भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सांसद सिंधिया का गृह नगर होने के कारण यह तय माना जा रहा है कि सीट पर प्रत्याशी का चयन सिंधिया की मर्जी से ही होगा। इस सबके बीच ग्वालियर कांग्रेस का कंफ्यूज चेहरा सामने आया है। कुछ दिन पहले सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ग्वालियर सीट के लिए प्रस्तावित करने वाली जिला कांग्रेस कमेटी ने आज आनंद फानंद में बैठक बुलाकर प्रियदर्शनी राजे का नाम प्रस्तावित कर दिया है। माना यह जा रहा है कि आज संक्षिप्त प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे सांसद सिंधिया के कहने पर भी ये प्रस्ताव पारित किया गया है। उधर टिकट के प्रबल दावेदार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह की बात आज की बैठक में गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्वालियर सीट से कांग्रेस इस बार किसे चुनाव लड़ाएगी अभी तय नहीं है, लेकिन रोज रोज बदल रहे समीकरणों के ने राजनीतिक पंडितों को का ध्यान इस सीट की तरफ खींच रखा है। इससे पहले पिछले 3 बार तरह तरह की बार भी
प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह का नाम सामने आया था। विधानसभा चुनाव से ही अशोक सिंह एकमात्र उम्मीदवार माने जा रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद कांग्रेस के समीकरण बदल गए। अब गुटों में बटी कांग्रेस अपने गुट के नेता के हिसाब से उम्मीदवार तय कर रही है। ग्वालियर चूंकि सांसद सिंधिया का गृह क्षेत्र है, इसलिए ये तय माना जा रहा है कि यहाँ से वही उम्मीदवार चुना जाएगा जो सिंधिया की पसंद का होगा। पिछले दिनों अशोक सिंह के नाम के अलावा प्रदेश सचिव सुनील शर्मा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहन सिंह राठौर के अलावा दौड़ सीएम प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया का नाम भी चला है। इसी बीच जिला कांग्रेस कमेटी के सांसद ज्योतिराज सिंधिया का नाम ग्वालियर लोकसभा सीट के लिए प्रस्तावित कर राहुल गांधी के पास भेज दिया गया है, जिसके लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई गई है और सर्व समिति के नाम प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन आज मिली कांग्रेस कमेटी ने अपने ही प्रस्ताव को पलट दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर के बारे में जो कि निकल कर रही है। अब सिंधिया पर भी कठिन सीट का दबाव, गुना ग्वालियर पर फैसला होल्ड। दोस्तों, भोपाल लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस ने अंदर खाने जबरदस्त खींचतान चल रही है। जो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भाजपा के कब्जे वाली भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसके बाद अब सांसद ज्योतिराज सिंधिया पर भी सीट बदलने का दबाव है। वहीं यही वजह है कि गुना सीट से टिकट लगभग तय होने के बावजूद भी कांग्रेस हाईकमान ने सिंधिया का नाम गुना से घोषित नहीं किया है। सूत्र बताते हैं कि दिग्विजय सिंह के दबाव में गुना, ग्वालियर और सीट पर प्रत्याशी चयन नहीं किए गए हैं। प्रत्येक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने AICC की ओर से सूची जारी होने से पहले ही दिग्विजय सिंह का भोपाल से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इसके बाद दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि AICC की ओर से अभी नाम तय नहीं हुआ है। देर रात कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि दिग्विजय सिंह आखिरी समय तक राजगढ़ से टिकट के लिए प्रयास करते रहे। अब भोपाल से नाम तय होने के बाद उन्हें सांसद ज्योतिराज सिंधिया को भी सीट बदलकर चुनाव लड़ने की मांग कर डाली है। यही वजह है कि पहली सूची में गुना से प्रत्याशी तय नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान सिंधिया को गुना से ही चुनाव मैदान में उतारने के पक्ष में है, क्योंकि हाईकमान ने लोकसभा चुनाव में सिंधिया को उत्तर प्रदेश में कमान सौंपी है। ऐसे में यदि सिंधिया किसी सीट बदली जाती है तो फिर उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा समय देना होगा और वे उत्तर प्रदेश में समय नहीं दे पाएंगे। गुना से चुनाव लड़ने पर सिंधिया उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समय देंगे। गुना में चुनाव की एक कमान उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे संभालेंगी। वे पहले एक महीने से गुना संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच काम कर रही हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर के बारे में जो कि निकल कर रही है। पिता के समर्थन में जयवर्धन, कहा भाजपा को खुली चुनौती, सर्वत्र दिग्विजय सर्वदास दिग्विजय। दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री कमलनाथ के सबसे कठिन सीट से लड़ने वाले फॉर्मूले में फंसे दिग्विजय सिंह के भोपाल से सीट मिलने के बाद सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ भाजपा नेता दिग्विजय सिंह को चुनौती न मानने का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस खेमे में अंदर खाने चर्चा है कि कठिन सीट के फेयर में उलझा कर दिग्विजय को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस बीच दिग्विजय सिंह के पुत्र और कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री जयवर्धन सिंह अपने पिता के लिए आगे आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि अगर फलक को जिद है बिजलियाँ गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बनाने की। यही बाद में लिखा है, ये भाजपा का को खुली चुनौती है। जयवर्धन के इस ट्वीट के कई मायने निकल कर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह की भोपाल से औपचारिक घोषणा होने के बाद जयवर्धन ने अपनी प्रतिक्रिया ट्विटर पर दी थी। उन्होंने एक शायरी लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी है जो वर्तमान हालातों पर जमती है। उन्होंने लिखा है, अगर फलक को जिद है बिजलियाँ गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाना बनाने की। सर्वत्र दिग्विजय सर्वदा दिग्विजय। वहीं इसके अपने ही ट्वीट पर फिर दोबारा लिखा, ये भाजपा को खुली चुनौती है। इसमें पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि दिग्विजय सिंह कोई चुनौती नहीं है, वे किसी को महत्व नहीं देते। दिग्विजय सिंह मतलब मिस्टर बंटाधार रिटर्न्स। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वो दिग्विजय के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, दिग्विजय के खिलाफ लड़ने में मजा आएगा। उसके बाद जयवर्धन ने
अपने पिता के समर्थन में उन्हें बीजेपी के लिए चुनाव चुनौती बताया है। आइए बढ़ते आगे, बात करते हैं पांचवी और अंतिम बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल आ रही है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 करोड़ से अधिक स्मैक के साथ दो आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कोतवाली पुलिस ने 1 किलो 88 ग्राम स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। ये तस्कर राजस्थान की रोडवेज बस से स्मैक लेकर आ रहे थे। राजगढ़ SP प्रदीप शर्मा ने बताया है कि राजगढ़ में लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजगढ़ जिला में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान के दौरान बस के कंडक्टर से 100 पुलिस को सूचना मिली थी कि राजगढ़ कोटा और की ओर से आ रही राजस्थान परिवहन की बस में कोई अज्ञात व्यक्ति एक बैग छोड़कर चला गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उस बैग को देखा तो उसमें से 938 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, लेकिन आरोपी नहीं पकड़ाए थे। इसको चलते बताया जा रहा है कि बस में स्मैक लेकर बैठे आरोपी को पता चला कि राजगढ़ में चेकिंग चल रही है, तो वह जल्दबाजी में किसी अन्य व्यक्ति को बैग उठाकर बस से उतरकर चला गया। वहीं राजगढ़ की कोतवाली पुलिस ने स्मैक तस्करों को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। जिस बस से स्मैक मिली थी उसी रोडवेज की बस में एक बैग में नकली स्मैक का पाउडर बनाकर पुलिस ने रख दिया और सिविल ड्रेस में पुलिस ने के दो जवान बैठ गए और बस के पीछे पुलिस की टीम वाहन लगा दिया। दर्शकों इस प्रकार से उन्होंने उसको पकड़ लिया। दर्शकों ये थी कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे लोकसभा चुनाव 2019 संबंधित और अन्य बड़ी खबरों से संबंधित पांच बड़ी खबर मध्य प्रदेश की जो कि आपको जानकर अपडेट करती हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तक अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे तक अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। आज के वीडियो में बताएं, हम फिर हाजिर होते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।